बॉलीवुड एक्टर सलमान मुश्किल में हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि उनकी एनजीओ बीइंग ह्यूमन ब्लैकलिस्ट हो सकती है। दरअसल बीइंग ह्यूमन को मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक डायलिसिस सेंटर बनाना था। उन्होंने बैंक गारंटी की रकम भी चुका दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत सलमान को जरूरी इजाजत भी मिल चुकी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट केवल कागजों में ही रह गया। इसी के चलते सलमान की संस्था बीइंग ह्यूमन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस सेंटर को लेकर बीएमसी ने जुलाई साल 2016 में टेंडर निकाला था। इसमें बीइंग ह्यूमन ने सबसे कम दाम पर डायलिसिस सर्विस देने का वादा किया था। उनके मुताबिक अगर यह सेंटर शुरू होता है तो उसमें 329.50 रुपए में डायलिसिस कराया जा सकता है। बता दें कि सलमान इस बीइंग ह्यूमन नाम से क्लोथिंग ब्रांड, ज्वेलरी, साइकिल सब कुछ लॉन्च कर चुके हैं। वह खुद इस ब्रांड के प्रमोशन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। यही वजह है कि वह हमेशा बीइंग ह्यूमन के कपड़े पहने नजर आते हैं। इसके अलावा उनकी उस इलेक्ट्रिक साइकिल को कोई कैसे भूल सकता है जिसकी सवारी वो आए दिन करते ही रहते हैं। हाय, मैं हूं जावेद अली और क्लिप्स.इन को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वन नेशन वन इलेक्शन।